तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरमा, आप देख रहे हैं वोट न्यूज और इस वक्त हम खड़े हैं महिला थाने के अंदर, जहां पर आपको बता दें कि तीन जो मुख्य आरोपी थे करोड़ों रुपए की चोरी के अंदर, उनको जो है पकड़ लिया जा चुका है। और क्या कुछ पूरा मामला इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे और आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये जानते हैं पूरा मामला क्या था और कितने आरोपी कहाँ कहाँ से पकड़े गए। ऐसा था कि 26/10/2023 को जितेंद्र जी हैं, सेक्टर 7 में रहने वाले हैं, वो उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि भी हमने एक नौकर रखा हुआ था विनोद नाम से, ठीक है। तो वो 20 तारीख को उन्होंने रखा हुआ था, तो उस बंदे ने जो है हमारे घर से जो है वो चोरी करके ले गया है, जिसमें उसने बतलाया था कि भाई मेरे डायमंड ब्रेसलेट, मेरे बेटे का डायमंड ब्रेसलेट, एक जो है उसकी डायमंड जो है रिंग और एक घड़ी बरामद घड़ी वो लेके चला गया है। तो जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ 595 नंबर FLOs की इसकी, फिर इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी जो बरगली स्टाफ के द्वारा, हिम्मत सिंह के द्वारा जो की गई, तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इसको पहले जो विनोद जो था उसको हमने गिरफ्तार किया, लेकिन वास्तव में इसका नाम विनोद नहीं था, ये इसका चलित्र नाम था जो बिहार का रहने वाला था। उसके बाद इसने एक पूरी गैंग है जिसमें दो लड़के इसके गैंग में और शामिल थे, और इनके खिलाफ पहले भी 4 मुकदमे ऐसे दिल्ली में दर्ज हैं। फिर उसके बाद हमने जो है उसके साथी जो जाहिर और काशिंदर पासवान था उसको हमने गिरफ्तार किया। इन तीनों से इन्होंने अलग अलग जो है जो चोरी का सामान तीन जो था वो अलग अलग इन्होंने अपने बांट लिया था। जो चलित्र ने अपने पास जो है ब्रेसलेट रखा था, और जाहिर ने डायमंड रखा था, और काशिंदर ने जो है घड़ी जो है रखी थी। जो जाहिर वाला था डायमंड रिंग थी उसके पास, और काशिंदर के पास घड़ी थी, जो करीब इनकी जो कीमत है ब्रेसलेट की करीब 15 लाख के आसपास, डायमंड अंगूठी की 80 लाख और घड़ी 2 लाख रुपए की थी, कुल टोटल 97 लाख रुपए के इनसे बरामद की गई। हाँ जी, इनसे तीनों ब्रेसलेट जो है डायमंड ब्रेसलेट बरामद हो गया है, और डायमंड रिंग बरामद हो गई है, और घड़ी बरामद हो गई, जो तीन जो सामान था जैसे पूरा प्रश्न, ये तीन लोग इसमें शामिल है और इनकी गैंग है। ये पहले ही इनका ये करते हैं कि जैसे देखते हैं किसी को नौकर की जरूरत है तो नौकर बन के कोशिश करते हैं, जैसे इन्होंने सूरज नाम से जो है एक एजेंसी का अपना प्रेफरेंस देते हैं, सूरज नाम से बनाई हुई है, लेकिन वो सूरज नाम की कोई भी कहीं भी नहीं है। चार वारदात लिखी हुई एजेंसी के जरिए नौकर को ये रखा। जी 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 सर, कितनी असली में आ रहा करनाल में, जितने भी पुराने घर है कोई भी किराए पर भी दे देते हैं, उनके आईडी प्रूफ किसी के पास नहीं होता, नौकर रखते हैं किसी के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती उनकी कोई नहीं। ये तो जो नौकर रखने वाले जो है उन्हें देखना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से नौकर रखा जाए, उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए, लोग वेरिफिकेशन भी लोग नहीं कराते हैं तब इस प्रकार की वारदात होती है, और ऐसे लोगों को तभी जब वो लगता है कि भाई यहाँ इजिली जो है वेरिफिकेशन कराते नहीं है लोग, और वो इस बार वारदात का अंजाम। रिमांड पे लिया था सर? हाँ, रिमांड पे लिया था इनको, रिकवरी हमने इन सब जगह से कराया। इनके दो तो दिल्ली से गिरफ्तार किया, गुड़गांव से गिरफ्तार किया। काफी 4 मुकदमे हैं इनके खिलाफ, बट दिल्ली में दर्ज हैं वो, काफी दिनों से लग रहे हैं। कौन सी धारा में? हाँ, ये तीन लोग हैं, गैंग है पूरा इनको। कितने पूरी रिकवरी होगी? 97 लाख। सर, इसमें कौन सी धारा को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया? इसमें धाराएं हमने लगाई है, एक तो 300 384 और 120 भी। तो न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। उम्र कितनी है सर? किन किन राज्यों में इन्होंने इस बार दिल्ली में कर दिया? दिल्ली में की हुई है लगभग, ये दिल्ली और गुड़गांव में टारगेट बनाते हैं, ये वहाँ से वही रहते हैं, ये दिल्ली में रहते हैं, रहने वाले बिहार के हैं, एक गुड़गांव में रहते हैं, बाकी दो दिल्ली में रहते हैं। बिहार में ये है चलित्र तो है, ये है गदमहा सुपौल डिस्ट्रिक्ट बिहार का, और जाहिर है मधुबनी, और दूसरा मधुबनी, और काशिंदर है ये मधुबनी का रहने वाला। सर, इनकी उम्र अंदाजा कितनी होगी? करीब 30-35 साल के आसपास। सर, तीनों इतनी ही उम्र के हैं? जी जी। मतलब दिल्ली से ही नौकर भिजवाते हैं, मतलब जॉब पर रखते हैं, लड़कों को अपॉइंट किया जाता है इन एजेंसी द्वारा? नहीं, खुद एजेंसी बनाई हुई इन्होंने, खुद ही सूरज के नाम से बना ली, और जब लगता है की कहीं घूमते हैं फिर जहाँ लगता है नौकरी जुड़ता है, सही टारगेट बंदा देख के वही नौकरी के लिए मौका देख के लग जाते हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील की जाएगी, जब भी वो नौकर रखे हैं तो उसको वेरीफाई कराए, तस्दीक कराए, बिना तस्दीक के नौकर ना रखें। अगर ये आकर मार रहे हैं तो उनका भी एड्रेस का भी वेरीफाई करें।
और एड्रेस बिल्कुल वेरीफाई करना चाहिए भी बंदा कहाँ का है, आईडी भी लेनी चाहिए। यस यस यस, देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से तीन आरोपियों को जो है जेवर के साथ आज पुलिस के द्वारा जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और काफी बड़ा मामला था जो दो महीने पहले चोरी का सामने आया था, उसके बाद जो है अब न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद जो है क्या कुछ इसमें अपडेट रहती है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को आप सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मैं उस वक्त देखते हैं कैमरामैन के साथ।